गाइज देखो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग फ्री फायर गेम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। अब गाइज देखो फ्री फायर तो आप भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ, गेम खेलने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। बट गाइज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद जो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसको फॉलो करने के बाद ना जितना मज़ा आपको अभी लगता है गेम खेलने में उससे कहीं गुना ज़्यादा आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा गेम खेलने में। और एक चीज़ तो आप लोग मानते ही हो ना, अगर आप लोग गेम में कुछ अच्छा करते हो लाइक एक बहुत अच्छी स्क्वाड को आप लोग 4v4 में हरा दिए, या फिर अगर आप लोग हीरोइक जाना चाहते थे और आप लोग हीरोइक पहुंच गए, या फिर ऐसा कुछ जो आप लोग गेम में करना चाहते थे और अगर वो हो जाता है तो देखना आपको भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ऊपर से देखना आपका दिन भी बहुत ज्यादा अच्छा कटता है। सो अगर आप लोग 2-3 घंटा गेम खेलते हो दिन में और वो 2-3 घंटा अगर आप लोग सबसे मजे लेके गेम खेलोगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 6 पॉइंट्स बोलूंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप लोगों को गेम खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और गाइस ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर अभी तक कोई नहीं डाला है, मैं ही फर्स्ट डाल रहा हूं, तो गाइस इसी बात पे प्लीज वीडियो को उसे लाइक कर देना। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना। सो गाइस चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जो फर्स्ट नंबर ट्रिक है वो है हेडशॉट रेट एंड केडी के ऊपर। अब गाइस देखो अगर आप लोग गेम में कुछ टारगेट रखते हो ना, जैसे कि अगर आप लोग मतलब रख सकते हो कि मैं सीएस रैंक में 90% हेडशॉट रेट करूंगा, या फिर मतलब फुल मैप रैंक में मैं अपना केडी जो है वो 7 रखूंगा या फिर 8 रखूंगा, तो आप लोग मतलब जब वो टारगेट रखते हो ना तो आप लोग मतलब एक माइंड में ऐसा होता है कि मेरे को वो चीज़ करना ही है, मैं 2 घंटा गेम खेलूंगा, 2 घंटे में मैं अपना हेडशॉट रेट जो है वो 80% अगर हो तो मैं 80 से 85 करूंगा या फिर 90 करूंगा। ऐसा अगर आपका माइंड में एक डेडिकेशन हुआ ना तो देखना आपको गेम खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। सो इन दोनों में से आप लोग कोई भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को हेडशॉट रेट बढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप लोग हेडशॉट रेट बढ़ाओ, या फिर अगर आप लोगों को केडी बढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप लोग केडी बढ़ाओ। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ इस ट्रिक को अगर आप लोग फॉलो करोगे ना तो आप लोगों को गेम खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और बाय द वे आपका कितना हेडशॉट रेट है और केडी है मेरे को कमेंट सेक्शन में यार जरूर से बता देना गाइस। गाइस जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है देखो जब भी आप लोग रैंक मैच खेल रहे हो ना तो आप लोग रैंक मैच में ऑलवेज बुया के लिए खेलना है। गाइस मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बंदे जो एकदम फुल रश करके खेलते हैं, मतलब उतरने के बाद ही एकदम रश पे चले जाते हैं। बट गाइस बिलीव मी अगर आप लोग बुया के लिए खेलते हो ना इतना ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा आप लोग सोच ही नहीं पाओगे। जैसे मैं परसों मेरे स्क्वाड के साथ मतलब रैंक खेल रहा था और क्या वो मतलब बुया के लिए खेल रहा था, और जो लास्ट जोन है ना एकदम लास्ट जोन में 4 स्क्वाड अलाइव थे, मतलब सोचो इतना छोटा जोन हो गया था, ऊपर से चारों तरफ बंदे थे, और उस सिचुएशन में हम लोग ने बुया लिया, और बुया लेने के बाद जो खुशी आया ना मैं आप लोगों को बोल के बता नहीं पाऊंगा। क्यों देखो कोई भी अगर मतलब क्रिटिकल कंडीशन में अगर आप लोग बुया लेते हो मतलब बुया लेने का कोई चांस ही नहीं होता, तब भी अगर आप लोग बुया ले लेते हो ना तो जो मजा आएगा आप लोगों को आप लोग मतलब लिटरली बोल के समझा नहीं पाओगे। तो ऐसे ही आप लोग बुया के लिए ऑल टाइम खेलो, और जब भी आप लोग बुया के लिए खेलोगे ना देखना मतलब लास्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्क्वाड रहते हैं, तो उनमें से जब भी आप लोग बुया लोगे काफी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। तो आप लोग ऑलवेज बुया के लिए ही खेलो, आप लोग अगर सोलो खेल रहे हो तब भी बुया के लिए खेलो, अगर आप लोग डुओ या फिर स्क्वाड खेल रहे हो तब भी गाइस आप लोग बुया के लिए खेलो, काफी ज्यादा मजा आएगा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना। गाइस जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है कस्टम। अब गाइस देखो कस्टम में कितना ज्यादा मजा आता है आपको तो पता ही है, बट गाइस देखो कस्टम में अगर आप लोग मतलब बहुत अच्छी एक स्क्वाड के साथ वर्सेस करोगे ना और अगर आप लोग जीत जाते हो तो गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, और अगर आप लोग नहीं भी जीते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो गाइस अगर आप लोग एक नॉर्मल स्क्वाड के साथ वर्सेस करते हो ना तो आप लोग को उतना भी ज्यादा मजा नहीं आएगा, बट गाइस अगर आप लोग एक बहुत अच्छी स्क्वाड के साथ वर्सेस करते हो तो देखना बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को मैच खेलते हुए। और आप लोग 1v4 भी खेल सकते हो कस्टम में, उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आता है, और अपने दोस्त के साथ 2v6 खेल सकते हो कस्टम में, ओपोनेंट में सब रैंडम प्लेयर रहेंगे और आपके दोस्त रहेंगे, 2v6 खेल सकते हो मतलब कस्टम में, और 1v1 तो खेल ही सकते हो अपने दोस्त के साथ, तो यही कुछ आप लोग कर सकते हो। गाइस जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो है ई-स्पोर्ट्स को लेके, देखो गाइस अगर आप लोगों को टूर्नामेंट्स में इंटरेस्ट है ना तो आप लोग टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो। देखो पहले पहले तो आप लोग एकदम बड़े लेवल पे नहीं खेल पाओगे ना, आप लोगों को छोटे से ही स्टार्ट करना है, तो आप लोग गेम टीवी में रजिस्टर कर सकते हो, उधर से भी आप लोग टूर्नामेंट खेल सकते हो, या फिर अगर आपका कोई दोस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है तो आप लोग वो भी खेल सकते हो, और टूर्नामेंट खेलने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि आप लोगों को टूर्नामेंट्स में इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना गाइस। और गाइस देखो अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना। और गाइस इस वीडियो में अगर आप लोगों को सच में मजा आ रहा है तो गाइस प्लीज अपने दोस्तों के साथ प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। और हां आप लोग अगर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक
मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप लोग मेरे को जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना गाइस। गाइस जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है जिसको यूज करके आप लोग गेम और भी मजे लेके खेल सकते हो वो है गाइस रैंक पुश। अगर आप लोग रैंक पुश करोगे ना तो आप लोग को और भी ज्यादा मजा आएगा। देखो गाइस अगर आप लोग फुल मैप में रैंक पुश करना चाहते हो तो गाइस आप लोग फुल मैप में भी कर सकते हो। आप लोग मतलब बुया के लिए खेलो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोग बुया के लिए खेलो और रैंक पुश अगर करोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और आप लोग सी एस रैंक में भी अपना रैंक पुश कर सकते हो। सी एस रैंक में आप लोग मास्टर जा सकते हो या फिर हीरोइक जा सकते हो। अगर आप लोग मतलब एक टारगेट रखोगे ना कि मैं अगर हीरोइक 50 स्टार करूंगा या फिर हीरोइक 100 स्टार करूंगा तो ऐसे एक टारगेट रखोगे तो आप लोग को और भी ज्यादा मजा आएगा। गाइस आज का जो लास्ट ट्रिक है वो है आप लोग ऑलवेज बात करते हुए खेलो, अपने दोस्तों के साथ खेलो या फिर अपने स्क्वाड मेट के साथ खेलो। देखो गाइस अगर आप लोग सोलो खेलते हो ना तो उसमें उतना भी ज्यादा मजा नहीं आता है क्योंकि देखो आप लोग बात नहीं करोगे ऐसे ही बोरिंग लगेगा आप लोगों को। बट गाइस अगर आप लोग अपने स्क्वाड के साथ खेलते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए खेलते हो ना तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बट गाइस देखो दिक्कत की बात यह है ना कि बहुत जन के पास अपना खुद का स्क्वाड ही नहीं होता है तो इसलिए वो लोग मजबूरन सोलो खेलते हैं। तो देखो गाइस अगर आप लोगों के पास खुद का परमानेंट स्क्वाड नहीं है तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बोलता हूँ जिसको यूज करके आप लोग खुद का परमानेंट स्क्वाड बना सकते हो। देखो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है कि आई नीड अ परमानेंट स्क्वाड, फिर अपना लेवल कमेंट कर देना है, फिर अपना लाइक्स कमेंट कर देना है, फिर अपना जो प्रोफाइल का यूआईडी है वो आप लोगों को कमेंट कर देना है। और गाइस ये देख के जब दूसरा बंदा कमेंट सेक्शन में आएगा और उसके पास भी अगर कोई भी स्क्वाड नहीं होगा तो वो आपको रिप्लाई कर देगा और ऐसा करके आप अपना खुद का परमानेंट स्क्वाड बना सकते हो और वो लेके खेल सकते हो। और बाय द वे आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा यूनिक ट्राई किया हूं मैं। सो प्लीज गाइस इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना। और अगर आप लोग रैंक पुश अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो गाइस आप लोग राइट वाली वीडियो देखो या फिर अगर आप लोगों को सीएस रैंक का कुछ मिस्टेक्स के बारे में जानना है तो गाइस आप लोग लेट वाली वीडियो जरूर से देख सकते हो।